नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। पूर्वी दिल्ली दिशाद कॉलोनी बी ब्लॉक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सपा के पूर्व मंत्री निसार खान की भतीजी हुमैदा के पहले रोजा रखने पर रोजा इफ्तारी पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सर समाज ने शिरकत कर भारत की गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दिया। इस मौके पर दिशा गार्डन RWA के अध्यक्ष RK शर्मा व इनकी समस्त टीम ने रोजा इफ्तारी में शिरकत कर हुमैदा को आशीर्वाद देकर और लंबी आयु की ईश्वर से प्रार्थना की। निसार खान व इनके भाइयों ने सभी आए हुए अतिथियों का शुक्रिया किया। इफ्तार के बाद रोजा स्थल पर मौलाना ने नमाज अदा की। इफ्तार के समय हुमैदा ने रोजा खोलकर खुशी जाहिर की। हुमैदा ने कहा कि जितनी खुशी रोजा रखकर मिली, इतनी खुशी पहले कभी नहीं मिली। रोजा के साथ कुरान व नमाज पढ़कर दिल को सुकून मिलता है। मैं अपने उम्र के बच्चों से ट्रू मीडिया के माध्यम से गुजारिश करती हूँ कि आप सब भी रोजा रखें। इस मौके पर परिवार व रिश्तेदारों ने हुमैदा को दुआओं से नवाजा और प्यार किया तथा की पसंद के उपहार भी भेंट किए। रोजा इफ्तार पार्टी में देखने को मिला कि हर धर्म जाति के लोग मौजूद रहे, यह निसार खान की भारतीय सोच का पता चलता है। उक्त रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार बहार हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स इस वीडियो में आवश्यकता है। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम उमेजा। आपने पहला रोजा रखा, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला और मैं बाकी बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि वो यह रोज़ा रखे और अपने इतना मुझे सुकून नहीं मिला जितना रोज़ा रख के मिला। रोज़े की फजीलत, सबसे पहली बात तो ये है कि आका अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी हैं, जिनकी उम्मत में हमने पैदाइश की है, जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें उतारा है, उस नबी का ये फरमान है कि अगर कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह तबारक व ताला जब तक उस भूखे के अंदर ताकत रहती है उस खाने की, तब तक उस खिलाने वाले को सवाब अता करता है। और रही बात रमज़ान के रोज़े की, तो रमज़ान का रोज़ा इफ्तार कराना इतना बड़ा सवाब का काम है, इतना बड़ा सवाब का काम है कि अल्लाह तबारक व ताला इतना सवाब उसको अता करता है रोज़े का इफ्तार कराने वाले को। परवरदिगार आलम ज़मीन व आसमान की जितनी खाली जगह है वो सब की सब सवाब से भर देता है। सुबह ये कि मुबारक महीना है और इसी महीने में अल्लाह ताला ने कलाम पाक को उतारा, इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े मुबारक पर तमाम गरीब और मजदूरों की, मजलूमों की मदद करने के लिए कहा गया। भूखों को खाना खिलाने का बहुत बड़ा सवाब है और इस महीने में ये है कि गिले शिकवे सब दूर कर दो और दिल से दिल मिला लो और दिलों में मोहब्बत पैदा करो और एक दूसरे की जितना हो सकता है मदद करो। और मुसलमान का यही काम है कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी बिरादरी हो, हमें प्यार बांटना है, हमें मोहब्बत से रहना है और मोहब्बत से रहकर जी कर सिखाना है और दिल से दिल को मिलाना है और एक दूसरे की मदद करते करते और इबादत करते करते दुनिया से चले जाना है। असल में आज जो रोज़ा इफ्तार किया है, आज हमारी भतीजी के लिए पहला रोज़ा हमने रखा है उमेज़ा ने, तो उसके लिए हमने आज रोज़ा रखा है। हमारे ये दिलशाद कॉलोनी के अंदर सब समाज के लोग रहते हैं। इस रोज़ा इफ्तारी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं सभी लोग शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। और ये बरकतों का महीना है, इस्लाम का सबसे बड़ा महीना है ये, जो कि नेमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने के अंदर हर वो दुआ कबूल होती है जो आदमी मोमिन दिल से मांगता है, तो इसी के लिए आज हमने यहाँ रोज़ा रखा है। इससे भाईचारा कायम करते हैं, आपस का प्यार, जो हमारे देश के अंदर कुछ नफ़रतें फैल रही हैं, हम चाहते हैं वो सभी लोग एक होकर, एक प्लेटफार्म पर होकर ऐसे वक्त पर सभी लोग साथ में खड़े हों और सभी हिंदू और मुसलमान मिलकर ऐसे त्यौहार को मनाएँ। तो उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ दिलशाद कॉलोनी के रोज़ा इफ्तार किया है। जो दिलशाद कॉलोनी, पुरानी सीमापुरी, नई सीमापुरी, दिलशाद गार्डन, आसपास के सारे लोग यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी में आएंगे इंशाल्लाह और बड़ी मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ आज के हमारा ये प्रोग्राम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।